नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जेपी पावर। तो जेपी पावर जो है काफ़ी ज़्यादा इसने तेज़ी दिखाई दी हाल फिलहाल में। इसने काफ़ी अच्छा ग्रो किया था और लोगों को खूब सारा पैसा बनाकर दिया था। एक अभी जो है इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, काफ़ी दिनों से इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अभी आपको जैसा पता होगा कि पावर का बूम चल रहा है, पावर के बूम के टाइम पर इसने खूब ज़्यादा ग्रो की थी, खूब अच्छी तरक्की की थी और इसने जितने भी हमने अपने आपको टारगेट दिए थे, सपोर्ट दिए थे, वो काफ़ी अच्छे काम करते हुए दिखाई दिए हैं। सपोर्ट इसने बहुत अच्छा लिया, जो हमने आपको टारगेट जो लेवल दिया था वहाँ से इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है अभी तक। हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को पर चर्चा करने वाले वो होंगे कि कंपनी कितनी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जो लोग इसे फ्रेश पोजिशन बनाना चाहते हैं वो कहाँ पर निवेश कर सकते हैं या इसको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। तो हम चल के देखते हैं कि जेपी पावर कैसा क्या ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर। तो इसमें आज के दिन जो है लगभग ऑलमोस्ट मैं बताऊं कि 0.88% की गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। इसमें काफ़ी बार अपर सर्किट भी देखने को मिला, लोअर सर्किट भी इसमें मिला, तो काफ़ी इसमें ऊपर नीचे का माहौल आजकल चला है। आज के दिन इसमें ठीक ठाक गिरावट भी अब मिल चुकी है। अभी ये ऑलमोस्ट 5.50 रुपये 5.55 रुपये के आसपास पर ट्रेड कर रहा है। अभी मैं अभी कर्ण बताऊँ तो इसमें लगभग 10 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं वीकली बेस पर बताऊँ तो वीकली बेस पर इसमें लगभग 1.80% की तेजी देखने मिली है एक वीक में। तो वीक में अब आपको बताऊँ क्योंकि इसमें अपर सर्किट भी देखने को मिला है और लोअर सर्किट भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये इसमें ऊपर नीचे का माहौल आज रहा है और एक हफ्ते में लगातार ये जो चीज़ है बनी रही है। इसमें मैं आपको बताऊँगा अगर एक महीने में इसका क्या हाल रहा है, तो एक महीने में इसमें लगभग 1.90 रुपये की तेजी देखने मिली है। लगभग 50.67% की इसमें तेजी मिली है सिर्फ और सिर्फ एक महीने की अगर बात करूँ। एक महीने पहले ये 3.90 रुपये के आसपास का हुआ करता, 3.80 रुपये के आसपास का, लेकिन जब इसने तेजी पकड़ी तो इसने अच्छा खासा अपना हाई बनाया 6.40 रुपये का। उसके बाद से इसमें गिरावट देखने को मिली है एक महीने का। अगर मैं आपको बात बताऊँ तो 6 महीने में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें ऑलमोस्ट 71.21% की तेजी देखने मिली है। 2.35 रुपये की इसने तेजी दिखाई है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के। अब मैं चल के दिखाऊँ कि फंडामेंटली कंपनी का क्या हाल चाल है। तो फंडामेंटली जो है कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है और ये स्मॉल कैप है। इसका कंपनी का मार्केट कैप जो है 3872 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और 515 जो इस स्टॉक की रैंकिंग है। अगर मैं इसका पी और पीवी रेशियो दिखाऊं तो पी रेशियो इसका लगभग 14.50 का इसका पीई रेशियो है और पीवी रेशियो 0.38 का है, जो कि सेक्टर के पी और पीवी दोनों से कम है। अगर मैं आपको बताऊं क्योंकि कंपनी जो है पहले जो थी काफ़ी लॉस में चल रही थी कंपनी में ठीक ठाक कर्जा है। ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊँ तो जो जेपी ग्रुप है, जेपी ग्रुप पूरा कर्जे में चल रहा है, कंपनी सारी इसकी लॉस में चल रही थी। लेकिन जो जेपी पावर कंपनी है ये एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जिसके क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए और ऊपर से कंपनी जो है प्रॉफिट में भी है। कंपनी इस आपको बताऊँ कि जेपी पावर की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स जो है सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है आपके जेपी ग्रुप की, क्योंकि ये कंपनी एक बात आपको बताऊँ कि प्रॉफिट में है और लगातार ग्रो कर रही है और पावर का जो बूम चल रहा है इस कंपनी में ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है ये पावर का बूम इस कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए। मैं आपको ले चलूँ कि इसका फाइनेंशियल ट्रेंड क्या रहा है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड अगर लास्ट ईयर से देखें, जो फाइनेंशियल 2019-20 था उसमें इसका रेवेन्यू जो था 13.50 का 9 माइनस में हुआ करता था और प्रॉफिट माइनस का 467.26% का हुआ करता था। लेकिन इस साल आप देखें तो इसमें तबाही मचाई है, इसने धमाका किया है बहुत बड़ा। रेवेन्यू देखें तो पॉजिटिव में है 2.75 का और प्रॉफिट भी 112.35% का इसमें प्रॉफिट जनरेट किया है इस कंपनी ने, तो अच्छी खासी तेजी दिखाई है। अब जो मेन चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ फाइनेंशियल्स में इसका कैसा क्या रहा है, जो मेन इस कंपनी के लिए सबसे खुशखबरी की बात है। रेवेन्यू पे आप गौर करें तो रेवेन्यू इनका जो है लास्ट ईयर 3509 के आसपास का वर्क करता था, लेकिन इस साल जो है इन्होंने ग्रो की है 3606 पे पहुंच चुके हैं। ये फाइनली ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है और सबसे जो तगड़ी बात है, जो सबसे मेन जो इस कंपनी के लिहाज से पॉजिटिव है, वो है इनकी नेट इनकम। नेट इनकम जो है इनकी माइनस की 2162 की हुआ करती थी, अब जाके ये माइनस के नहीं प्लस में पहुंच गई है 267.12। तो ये जो इनमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है, इन्होंने जो इंक्रीमेंट किया है अपनी नेट इनकम में, वो इनको ऊपर की ओर लगातार ले जा रहा है और काफ़ी अच्छा इनको परफॉर्मेंस करने में मदद कर रहा है। अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर की माइनस की 3.37 की हुआ करती थी, तो अब जाकर लगभग 0.25 की हो गई, मतलब कि नेगेटिव से ये सीधे पॉजिटिव में आ गए 25 पैसे की इसमें अब अर्निंग पर शेयर ये मतलब ये डील कर रहे हैं इस टाइम पर। इनकी होल्डिंग्स पर अगर हम चल के देखें कि इनकी होल्डिंग कैसी क्या है, तो होल्डिंग पे बहुत हम गौर करेंगे तो
प्रमोटर होल्डिंग जो है इनकी 26.02% की है, जिसमें से लगभग 22.71% जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग वो गिरवी पड़ी हुई दूसरों के पास, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही थी। लॉस से अपनी कंपनी को निकालने के लिए इनको अपनी गिरवी दूसरों के पास अपनी जो होल्डिंग थी दूसरों के पास रखनी पड़ी, इसी वजह से कंपनी की होल्डिंग थोड़ी कम समय में आती है। और जो मेन जो इसका मेन जो चीज़ है वो है इनकी डोमेस्टिक इंश्योरेंस की होल्डिंग, क्योंकि इसमें JSW की भी होल्डिंग इसमें है, वो इस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आती है। तो काफ़ी अच्छी प्रमोटर जो डोमेस्टिक इंश्योरेंस की होल्डिंग है 34.68%, तो एक बड़ा अमाउंट जो है बड़े लोगों का लगा हुआ है, बड़े खिलाड़ियों का इसमें पैसा लगा हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इसमें लगभग 0.63% के आसपास की होल्डिंग है, रिटेलर्स की भी इसमें 38.67% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर्स माफ कीजिए रिटेलर्स ने दे रखी है। अब जो मेन चीज़ है इसकी कि इसका चार्ट पे क्या हालचाल चल रहा है, तो चार्ट की अगर मैं बताऊं कि चार्ट में इसमें क्यों गिरावट आई है, क्या इसका रीज़न है, क्यों ऐसा इसमें हो रहा है, एकदम से इसमें सडन चेंज हुआ और क्या हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इसका लेवल था 3.90 रुपये के आसपास का, यहाँ से ये लगातार ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहा था। तो आपको पता ही होगा कि शेयर मार्केट कभी भी ऐसा नहीं बढ़ता है, कभी भी हमेशा उसमें एक मतलब लिमिट होती है बढ़ने की, लिमिट के बाद उसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग लेने के बाद उसमें करेक्शन भी आता है, कंसोलिडेशन का फेस भी देखने को मिलता है। तो यही ये फेस चल रहा है, क्योंकि इसके पहले आप देखिए तो ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिला था कि ये बढ़ना चालू हुआ था। आपको बताऊँ ये लगभग लगभग यहाँ पे 2.25 रुपये पड़ता और कहाँ जाके रुका था 4.15 रुपये, सीधे इसने 2 रुपये के आसपास की तेजी दिखाई थी, फिर इसमें सडन चेंज हुआ, ये नीचे आके गिरा, नीचे आके गिरा, फिर इसने अच्छा फिर गिरावट दिखाई, माफ़ कीजिएगा इसमें बढ़ोतरी आई, फिर इसमें कंसोलिडेशन का फेस आया, फिर इसमें दूसरे दोबारा से गिरावट आई। तो ये शेयर मार्केट का समझ लीजिए रूल है, मतलब हर शेयर में ऐसा होता ही है कि हर शेयर ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, कंसोलिडेशन का फेस चलेगा, ये सब इसमें होता है, क्योंकि हर शेयर को करेक्शन लेना ही पड़ता है, हर शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जो लोग नीचे के लेवल पर बाई किए होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और फिर क्या होता है इसमें गिरावट आ जाती है। तो अब इसमें भी वही चीज़ हो रही है, इसमें जो गिरावट आई है वो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर ही आई है, क्योंकि लोगों ने जो अच्छे से नीचे लेवल पर थे उन्होंने अपना पैसा अच्छे से बना लिया, अब वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाई कर लिया तो आपको क्या करना है, अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाई कर लिया तो अगर ये इस लेवल पर पहुँचता है 5.05 रुपये के आसपास, मतलब 5 रुपये के आसपास के लेवल पर पहुँचता है, तो आप इससे आप टेम्प्रेरी रूप से निकल सकते हैं, मैं ये बोलूँगा। अभी आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, अगर आपने इसमें ऊपर लेवल पर खरीद दिया था कोई बात नहीं, अगर ये इस लेवल तक पहुँचता है 5 रुपये के आसपास के लेवल पर पहुँचता है तो आप इससे निकल जाइएगा, इस लेवल को तोड़ता है तो आप इससे निकल जाइएगा। तो क्योंकि सबसे अच्छा सपोर्ट का जो काम करने वाला है वो 5 रुपये का लेवल ही सबसे अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है अभी फिलहाल में, और जो दूसरा सबसे अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है वो है 4.70 रुपये, यहाँ तक इसको पहुँचना नहीं चाहिए, ये बहुत रेयर केस में यहाँ तक पहुँचा 4.70 रुपये। तो आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा 5 रुपये 5 पैसे पर, आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, यहाँ से बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है। और जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो ऊपर जाने वाला है ये पहला जो इसका टारगेट होगा वो होगा टारगेट 1 6.40 रुपये, जो इसने अपना हाई बनाया था ये पहले वहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक इसका जाना लगभग लगभग तय ही है कि ये 6.40 रुपये का जो लेवल है इसको जल्दी ही टच करेगा। और इसका जो अगले टारगेट होंगे जो इसके लॉन्ग टर्म के मैं टारगेट बोल सकता हूँ कि जो अचीव होने में थोड़ा टाइम लगेगा वो होगा इसका 8 रुपये का लेवल, बहुत अच्छा काम करेगा टारगेट का अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छे समय में आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी प्रॉफिट में, तो आपको ये जो नेगेटिविटी आपके मन में आ रही है कि कंपनी में गिरावट देखने वाली, ये नेगेटिविटी कुछ नेगेटिविटी नहीं है, कंपनी में आपने कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुनी, आपको कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनी हो तो मुझे बताइए मैं भी इसको कवर करूं, तो इसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है, सारी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि कंपनी में अच्छे अच्छे फंड रेजिंग हो रही है, कंपनी उसके अलावा प्रॉफिट में भी आ रही है, तो ये सारे पॉजिटिव न्यूज़ है, तो कंपनी को ऊपर जाना ही होगा। ये थोड़ा बहुत गिरावट, इससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको टारगेट देखना है तो आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या होगा, वो हो गया 8 रुपये का टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और आप और भी ज़्यादा समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपका अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 10 रुपये 10 पैसे के आसपास का टारगेट, जो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतरीन टारगेट रहने वाला है 10 रुपये का टारगेट। तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये गिरावट पहले भी आ चुकी है, तो इससे घबराना नहीं अपन को, अपन को क्या करना है, क्योंकि मार्केट में टिकना है तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, आपको अपना पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, आपको इससे गिरावट से या बढ़ोतरी से न तो ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा आपको दुखी होना है कि गिरावट आ गई हमारा पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं। आपको अगर आपने कंपनी में पैसा लगा रखा है, आपने उसको सोच समझ के लगा रखा होगा, एनालाइज करके लगाया होगा, तो आपको अपने एनालाइज पर भरोसा करना है, जिसकी आपने सलाह ली उस पर आपको थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, आपको मार्केट में रुकना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा लगाया और कल निकालने, ऐसा नहीं करना है, आप उसको थोड़ा सा समय देकर आप इसमें पैसा
अच्छा खासा बना सकते हैं मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10 रुपये 10 पैसे का टारगेट रहेगा, और 8 रुपये का लेवल भी आपका बहुत अच्छा टारगेट का काम करने वाला है, और शॉर्ट टर्म के लिए 6 रुपये 40 पैसे का आपका टारगेट बहुत अच्छा काम करने वाला है। नीचे के अगर फ्रेश पोजिशन बनाना आपको तो नीचे के लेवल पर आता है तो आप फ्रेश पोजिशन अपनी बना सकते हैं, आपस में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी, क्योंकि फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग समय में आ रही है, और उसके अलावा कंपनी प्रॉफिट में भी है और आगे अच्छा ग्रो कर रही है, और पावर का बूम जैसा इसको ड्राइविंग फोर्स का देने का काम कर रहा है। तो दोस्तों आप इसमें अच्छी खासा पैसा लगा सकते हैं अगर आप अपनी ठीक ठाक रिस्क आप उठा सकते हैं, आप अपना पैसा आपके पास अगर ठीक ठाक है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आप अच्छा खासा इसमें पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।